नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जयपुर सिटी में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते बड़ी खबर की। मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महापड़ाव को आज पूरा हुआ एक महीना। कल महापड़ाव स्थल पर करेंगे उपवास। 50,000 से अधिक कर्मचारी करेंगे उपवास। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक करेंगे उपवास और इससे पहले होंगे सुंदरकांड के पाठ। हनुमान 40 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महापड़ाव स्थल पर। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। महापड़ाव को आज एक महीना पूरा हो गया है। कल महापड़ाव स्थल पर उपवास होगा। 50,000 से अधिक कर्मचारी उपवास करेंगे तो वहीं सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास करेंगे। तो बड़ी खबर मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव से जुड़ा ये अपडेट। महापड़ाव को आज पूरा एक महीना हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सचिन, महापड़ाव को कर्मचारियों के आज एक महीना पूरा हो गया, जानकारी मिल रही है कि कल उपवास करेंगे? जी देखिए, मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव से जुड़ी बड़ी खबर है। मंत्रालय कर्मचारी का महापड़ाव आज एक महीना पूरा हो गया है। कल महापड़ाव स्थल पर उपवास करेंगे। राज्य मंत्रालय कर्मचारियों में 50,000 से अधिक कर्मचारी उपवास करेंगे। इससे पहले सुंदरकांड के जरिए, हनुमान चालीसा के पाठ के जरिए, रक्तदान शिविर जो मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया था, जिसमें महेश जोशी ने भी शिरकत करी थी, उसके जरिए भी मुख्यमंत्री तक अपनी मांगे, जो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हैं, उसके जरिए भी मुख्यमंत्री तक, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने कई शिविर का आयोजन किया था। और अब कल जो है वो 50,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी जो है वो उपवास रखेंगे। जी ठीक है सचिन, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश भर में कर्मचारी वर्ग बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहा है और इसी कड़ी में तृतीय श्रेणी के